संगम नगरी प्रयागराज में जालसाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिन पहले जहां विजिलेंस की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, ये मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं हो पाया कि ताजा मामला प्रयागराज के नगर निगम कार्यालय में सामने आया है, जहां एक युवक ने कई लड़के और लड़कियों को फर्जी नौकरी देने के नाम पर काफी दिनों से ठगी का काला खेल खेल रहा था। मामला यह था सर, ये कि सर्वेयर की नौकरी देने जा रहे थे और इन्होंने नगर निगम में दो तीन बार बुलाया हम लोगों को और यहाँ मीटिंग भी ट्रेनिंग भी करवाए आजाद पार्क में। और सर आज अथॉरिटी लेटर और आई कार्ड देने वाले थे, अंदर ऑफिस में आए सर नगर निगम के अंदर और यहाँ से सारा पोल खुल गए। नहीं तो किस विभाग में नौकरी दिला रहे? नगर निगम में सर, सर्वेयर की, हाउस टैक्स का। कितना पैसा मांगा था? 1,20,000 सर। कितना दिया तुमने? पूरा सर दे दिए 1,20,000। कितने लोगों ने पैसा दिया? सर कम से कम 25-26 लोग हैं सर इनके ग्रुप में। यहाँ कर्मचारी थे क्या कोई सामान? नहीं सर, कर्मचारी नहीं, पता इन्हीं लोग ने सब किया। मामला तब प्रकाश में आया जब युवक ने तमाम लड़के और लड़कियों को नगर निगम कार्यालय में बुलाकर अथॉरिटी लेटर व आई कार्ड देने की बात कही। जानकारी होने पर प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने तुरंत युवक को पकड़ा और सिविल लाइन थाने के हवाले कर दिया। ये मामला आज जब हम आए नगर निगम तो मेरे पास दो लोग आए, उन्होंने कहा मैडम वहाँ बाहर एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है नौकरी के लिए, उसमें 1180 रुपया लिया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो मैंने कहा फिर हम क्या करें, किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन ये चल रहा है हमें जानकारी में नहीं है। तो बोला मैडम अगर आपके नगर निगम में लिया जा रहा है, आपके नगर निगम से नौकरी निकली है और उसमें लिया जा रहा है तो आप कह दीजिए, तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा निःशुल्क ले लिया जाए। तो हमने कहा कहाँ बैठ के ऐसे लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया MS कोई है कंपनी, वो लोग हैं। तो मैंने MS कंपनी को भी बुलाया और इन्होंने सर्वे के नाम पर कहा कि GIS सर्वे के नाम पर हो रहा है। तो मैंने उसके लिए PK मिश्रा जी को भी बुलाया, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी जो ये सब कुछ देखते हैं। तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी ने बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं चल रही है ना, इनको MS वालों को दिया गया है। फिर वो आदमी भी आया जिसने अपना नाम रजनीकांत रावत बता रहे हैं, तो पूछा गया तो इन लोग जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। और एक लवलेश करके आदमी है जो कि कई बार नगर निगम में पहले भी दो तीन बार फ्रॉड कर चुके हैं और ये उसको लखनऊ की ID दिया है इन्होंने, लखनऊ का काम है सब कुछ और लखनऊ की फर्जी ID पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें किसी से 1,20,000 रुपया लिया गया है, किसी से 1,50,000 रुपया लिया गया है, किसी से 10,000 रुपया लिया गया है, किसी से 90,000 रुपया लिया गया है। और कम से कम जो लिया गया है कुछ लोग बता रहे हैं, अभी वो खुल के नहीं बता रहे, नहीं 1,000 बता रहे हैं, जबकि उन्होंने भी बड़े अमाउंट दिया है। लोग अभी डर रहे हैं कि क्या होगा, वापसी होगी कि नहीं होगी, लेकिन पुलिस थाना संबंधित नगर निगम थाने को और सिविल लाइन थाने को बुला लिया गया है और बुला के उनको इन्हें सौंपने का काम कर रहे हैं। लोगों ने अपनी लिखित एप्लीकेशन में अपना अमाउंट लिख के दिया है, तमाम लोग हैं इसमें जिन्होंने पैसा लिया है उनका भी आ गया है इसमें और उनकी चिन्हानी भी हो चुकी है जो इस शहर से ही संबंधित हैं और उनका भी नाम पता नंबर सब देख दिया गया है जो इस शहर से संबंधित लोग हैं, जिनमें कुछ लड़कियों ने बताया कि हमने इनके हाथ पर इनके यहाँ बैठकर पैसा दिया है। तो उनकी भी चिन्हानी कर लेते हैं, पुलिस में दे देते हैं और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो नगर निगम के माध्यम से करा जा रहा है कि नगर निगम ने बैठ कर ये हो रहा है, जबकि ये कहीं की फ्रॉड कंपनी है, नगर निगम से इसका कोई लेना देना नहीं है और पूरा नगर निगम का व्यवस्था इसको खराब करने की वजह से ये सब काम किए जा रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड चल रहा है, यहाँ तक कि कई और शहरों में भी चल रहा है। यहाँ का कोई कर्मचारी इसमें नहीं आया क्योंकि इन्होंने कहा था कि नगर निगम से रिलेटेड ये काम है, तो उनमें से कुछ बच्चों ने कहा आप नगर निगम से रिलेटेड, इनकी 5-6 मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने कहा, तो इन बच्चों ने कहा कि आप नगर निगम तो कभी लेके चलते नहीं हमारा इंटरव्यू या कुछ दिखाने सिखाने हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तक वो चंद्रशेखर पार्क में किया, उन्होंने कई और जगह पे बुलाया, अब की बार बच्चों के रिक्वेस्ट पे कि बहुत कहा कि नगर निगम से रिलेटेड है तो आप नगर निगम चलो, इस बार इन्होंने नगर निगम पार्क में बुलाया जहां इनका ये फ्रॉड खुला है और पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है कि जल्द से ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो और जो ऊपर के लोग बैठे हैं और शहर के भी कुछ मानिंदे लोग बैठे हुए हैं
उनका भी खोला जाए, उनको भी देखा जाए और कड़ी से कड़ी सजा हो और बच्चों के पैसे वापसी हो। लगभग कितने लोगों का पैसा इस पे लिया? जो कुछ बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं जितना वो जानते हैं अपने ग्रुप को, वो उस ग्रुप में 30 से ज्यादा लोगों को बता रहे हैं। ऐसे जाने कितने ग्रुप बने होंगे। अच्छा, इसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी शामिल है? पीड़ित में बहुत सारे बच्चे हैं, नए उम्र के बच्चे भी हैं, ज्यादा उम्र के भी हैं, लड़कियां हैं कम उम्र की, जो नौकरी करना चाहती हैं, अपने घर परिवार में सहयोग देना चाहती हैं, वो सभी लोग हैं। और कम उम्र के बच्चे हैं जो इस समय युवा हैं हमारे, कम से कम 25 साल के, 28 साल से ज्यादा तक बच्चे हैं। हाँ, FIR इनकी भेज रहे हैं, पुलिस थाने को बुला लिया गया है। FIR इनकी इन्होंने दिया है मुझको लिख के एप्लीकेशन, तो इनके नाम से FIR दर्ज होगी, रजनीकांत जी के नाम से और लवलेश जो हैं उनके नाम से, और जो एक आध दो नाम और निकल के आए हैं जो इस शहर के हैं उनका नाम भी दिया जाएगा, जिससे पूरी तरह जांच हो सके, इन बच्चों के पैसे वापस हो सके। मानत तो नहीं होनी चाहिए जब तक पैसा ना। वहीं महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के मुताबिक युवक काफी दिनों से दर्जनों लड़कों और लड़कियों को बेवकूफ बनाकर नौकरी के नाम पर ठगी करता था, जिसको थाना सिविल लाइन्स के हाथों सौंप कर कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित युवक युवतियों के साथ न्याय दिलाने की बात कही है। किस बात का आरोप लगाया गया हमारे पे कि यहाँ नगर निगम में आकर इतने बच्चों का पैसा लेते हैं? नहीं, आप किसकी नौकरी लगवा रहे थे? सर, मैं नौकरी किसी की नहीं लगवा रहा हूँ, मैं खुद ही जॉब करता हूँ लखनऊ में सर्वेयर की। कोई बच्चे बता रहे हैं कि हमने पैसा लिया? नहीं सर, बात कर लीजिए, किसी बच्चे ने नहीं कहा ऐसा कि हमने पैसा लिया। बोल तो रहे हैं बच्चे, बच्चे आपका नाम बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आपने 1,20,000 रुपया लिया। किस बच्चे ने बोला कि मैंने लिया पैसा? सर, मैं जॉब करता हूँ 12-15,000। कहाँ पे? लखनऊ में। किस विभाग में? सर, हाउस टैक्स जो सर्वे का काम चल रहा है लखनऊ में, उसमें।